सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनित सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ. सो आज अपन रिवाइज करने वाले हैं दैट इज एसए 230, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. तो अगर हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो अगेन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आप कह सकते हो कि एक आधार है ऑडिट का, राइट. तो जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है ना, उसके अंदर एसए 230 एक ऐसा स्टैंडर्ड है कि आप कह सकते हो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, और इसका जो रेफरेंस आपको हर जगह दिखाई देगा. तो अब ऐसे 230 के अंदर कुल मिला के अपने को 8 चीजें डिस्कस करनी है. इफ यू रिमेंबर 8 थिंग्स, इट मींस योर ऐसे 230 दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज कंप्लीट, राइट. सो व्हाट आर द 8 थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर? व्हाट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? उसके बाद आपको याद रखना है फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. उसके बाद आपको याद रखना है असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल. उसके बाद याद रखना है आपको रिटेंशन पीरियड, देन कॉन्फिडेंशियलिटी, एंड फाइनली आपको याद रखना है कंप्लीशन मेमोरेंडम. तो अगर आपको ये 8 चीजें याद हैं, इसका मतलब आपका ऐसे 230 कंप्लीट है. तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है दैट एज ए ऑडिटर, मैं जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूं, जो भी एविडेंसेस ऑब्टेन करता हूं, जो भी कंक्लूजंस रीच करता हूं, राइट. तो ऑडिट प्रोसीजर्स में कौन सा परफॉर्म करता हूं, कहां दिया है? ऐसे 330 में दिया है. एविडेंसेस में ऑब्टेन करता हूं, कहां दिया है? ऐसे 500 में दिया है. और कंक्लूजंस में रीच करता हूं, तो ओपिनियन ऐसे 700-705 के अंदर फॉर्म करता हूं. इन सारी चीजों का मुझे क्या रखना है? रिटन रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और उसको हम कहते हैं ऑडिट फाइल. अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के रिक्वायरमेंट क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का आधार क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के रिक्वायरमेंट ये है कि कल को भविष्य में अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी ऑडिट करने के लिए आता है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके से होना चाहिए कि एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर जिसका कोई कनेक्शन नहीं है ऑडिट के साथ, वो भी फाइलों को देखकर समझ पाए कि व्हाट इज द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, व्हाट वेर द एविडेंसेस ऑब्टेन, एंड व्हाट वेर द कंक्लूजंस रीच्ड. कि कल को एक नया बंदा भी ऑडिट करने आ रहा है, अगर वो एक्सपीरियंस्ड है और उसका कोई आधार नहीं है ऑडिट से, कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो भी डॉक्यूमेंटेशन को देखकर समझ पाए कि भाई ऑडिट किसने किया था, ऑडिट कब किया था, कितने प्रोसीजर्स परफॉर्म करे थे, कौन कौन से एविडेंसेस ऑब्टेन करा था, रिव्यू कब हुआ था, वो सारी चीजें उसे समझ में आ जाए. उसके बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या होता है? तो देखना, बहुत लॉजिकल सी चीज है. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस ये होता है कि एक तो जब सब चीजें रिटन वे में रिकॉर्डेड होती हैं, रिटन वे में मेंटेन्ड होती हैं, किसको क्या काम असाइन किया था, सब कुछ लिखा हुआ होता है, तो उससे क्या होता है कि यू कैन इजिली डायरेक्ट रिव्यू सुपरवाइज द वर्क ऑफ असिस्टेंट्स. तो एक CFM क्या कर सकती है कि जो भी असिस्टेंट्स को काम डेलीगेट किया था, उनको उनके काम को आसानी से डायरेक्ट कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, सुपरवाइज कर सकती है, राइट. प्लस साथ साथ क्या होने वाला है कि जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स हमने परफॉर्म करा है, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन है. तो कल को भविष्य में कोई हमारे खिलाफ एलिगेशन नहीं लगा सकता कि आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं करा. तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द एविडेंसेस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट वी हैव परफॉर्म्ड. प्लस क्या होगा कि फ्यूचर ईयर्स में भी रेफरेंस के लिए काम आएगा कि मैंने कब कौन से क्लाइंट का काम किया था, मैंने कब कौन से क्लाइंट का ऑडिट करा था, किसने काम करा था. तो फ्यूचर ईयर्स में भी क्या होने वाला है? इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर द रिकॉर्ड मैटर. प्लस क्या होता है कि जो एंगेजमेंट टीम है उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है, बिकॉज हर किसी को अपने काम डेलीगेट किया हुआ है, हर किसी ने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, तो हर किसी की अकाउंटेबिलिटी वहां पे फिक्स हो जाती है. कल को कोई फ्यूचर में हमारे खिलाफ लीगल एक्शन आता है कि आपके फर्म ने अच्छे से काम नहीं करा है, तो अगर हमने फाइलें अच्छे से मेंटेन करके रखा है, तो वो हमारे अगेंस्ट क्या होता है? एक डिफेंस होता है. और साथ ही साथ भविष्य में अगर हमारे फर्म का कल को क्वालिटी रिव्यू होता है, अगर कल को हमारे फर्म का पीयर रिव्यू होता है, इंस्पेक्शन होता है, तो इन दैट सिचुएशन भी डॉक्यूमेंटेशन हमारे काम आती है. उसके बाद जो अगला टॉपिक है दैट इज फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. फॉर्म का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंटेशन की आपने सॉफ्ट कॉपी मेंटेन कर रखी है या हार्ड कॉपी मेंटेन कर रखी है. कंटेंट का मतलब होता है क्या चीजें डॉक्यूमेंट कर रखा है, और एक्सटेंट का मतलब होता है कितना डॉक्यूमेंट कर रखा है. तो फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट मतलब आपने कैसे डॉक्यूमेंट कर रखा है, आपने कितना डॉक्यूमेंट कर रखा है. तो देखना, कुल मिलाकर ये कुछ फैक्टर्स में डिपेंडेंट है. कुल मिलाकर ये 5 फैक्टर्स दिए हैं कि इन 5 फैक्टर्स में फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंडेंट है. पहला है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी. कि अगर आप किसी एंटिटी को ऑडिट करने जा रहे हैं, उसकी साइज बड़ी है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो वहां पे डॉक्यूमेंटेशन आप ज्यादा परफॉर्म करोगे. उसके बाद है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. कि डिपेंडिंग अपॉन कि आपने ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से परफॉर्म करे हैं और ऑडिट प्रोसीजर्स के रिजल्ट्स क्या आए हैं, उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड करेगा. आपने जब ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करा, आपने जब ऑडिट मेथडोलॉजीज परफॉर्म करे, ऑडिट टूल्स परफॉर्म करे, तो अगर आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा आइडेंटिफाई किया, तब डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा रखेंगे. अगर आपने एक्सेप्शंस ज्यादा आइडेंटिफाई करें, तब डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा रखेंगे. अगर आपने ROMM कम आइडेंटिफाई किया, तो आपका डॉक्यूमेंटेशन भी कम होगा. अगर आपने एक्सेप्शंस कम आइडेंटिफाई किया, तो आपका डॉक्यूमेंटेशन भी कम होगा. तो इस तरीके से आप लॉजिकली याद रख सकते हो दैट इट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, द डिफरेंट ऑडिट मेथडोलॉजीज एंड टूल्स, द असेस्ड ROMM, एंड द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड.
फिर अगला जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। तो असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल के अंदर क्या होता है कि भाई आपने अलग अलग आर्टिकल्स को, अलग अलग असिस्टेंट्स को जो भी काम दिया है, उन सब ने अपना अपना वर्किंग फाइल मेंटेन किया होगा, तो उन सबको असेंबल करना पड़ता है, उन सबको असेंबल करना पड़ता है। और कितने दिन के अंदर करना पड़ता है? विद इन 60 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कि आप जब भी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दोगे, विद इन 60 डेज आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ऑडिट फाइल एक जगह असेंबल करना होगा। उसके बाद एसक्यूसी के अंदर, स्टैंडर्ड्स के अंदर एक रिटेंशन पीरियड दिया हुआ है, दैट इज 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कि कम से कम आपको अपने जो फाइल्स हैं, अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो 7 साल तक मेंटेन करके चलना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन हालांकि मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकली 7 साल के बाद कोई फर्म डिसरिगार्ड नहीं करती। आजकल जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो पूरा किस में होता है, प्रिंट मीडिया में होता है, हार्ड डिस्क में होता है, तो जल्दी से कोई उसको डिलीट नहीं करता है, हालांकि लॉ की रिक्वायरमेंट 7 ईयर्स है। उसके बाद एक टॉपिक बनता है कॉन्फिडेंशियलिटी, कि अपना जो वर्किंग पेपर है, अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है एज ए ऑडिटर, अगर कल को कोई थर्ड पार्टी अपना डॉक्यूमेंटेशन अपने से मांगता है, अपना वर्किंग पेपर अपने से मांगता है, तो क्या आप डिस्क्लोज कर सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, और कॉन्फिडेंशियलिटी एक इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रिंसिपल है ऐसे 200 के अंदर। कल को अगर हमारा क्लाइंट ही वर्किंग पेपर्स मांगता है कि भाई तो अपना फाइल दिखा दे, कि ये लंबा चौड़ा फाइल तूने क्या मेंटेन करके रखा है, तो क्या क्लाइंट को मैं दिखा सकता हूं? अगेन मेरी मर्जी है, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन मेरी प्रॉपर्टी है। स्टैंडर्ड कहता है दैट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में क्या कर सकता हूं, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वर्किंग पेपर क्लाइंट को शो कर सकता हूं। अगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज मेरे से वर्किंग पेपर मांगती है, तो मेरे को वहां पे एक्सपर्ट कंसल्टेंस लेना होगा। नॉर्मली अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज मेरे से वर्किंग पेपर्स मांग रहा है, सो इन दैट सिचुएशन में मना नहीं करूंगा, मैं डिस्क्लोज कर दूंगा, बिकॉज वहां पे वो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है आफ्टर टेकिंग लीगल असिस्टेंस। और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीशन मेमोरेंडम। अब कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या होता है, कि जनरली बड़े बड़े ऑडिट्स के अंदर व्हाट हैपेंस इज दैट लॉट ऑफ फाइल्स आर मेंटेन्ड, तो बहुत सारे फाइल्स मेंटेन होते हैं, इतनी सारी चीजें अपन डॉक्यूमेंट कर रखी होती है। हम जब बिग फोर का ऑडिट करने के लिए जाते हैं, तो हम देखते हैं छोटी छोटी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, तो इतना सब कुछ रेफर करने का टाइम नहीं होता, तो एक समरी मेंटेन किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन का अबाउट ऑल द सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट वी आइडेंटिफाइड एंड हाउ वी एड्रेस देम ड्यूरिंग द ऑडिट। तो उसका एक समरी मेंटेन किया जाता है, उसी को कहते हैं कंप्लीशन मेमोरेंडम। उसी को क्या कहते हैं सर? कंप्लीशन मेमोरेंडम। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन एसेट 230, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन।